गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, आज है नई भाभी का पहला डे हमारे घर पे और आज वो बनाने वाली है अपने हाथों से कुछ मीठा। मतलब आज उसकी पहली रसोई होने वाली है, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि कैसा गया उसका पहला दिन हमारे घर पे और क्या बनाया था उसने पहली रसोई में। तो पहली रसोई में मीठा कुछ बनाया जाता है, तो इसी वजह से वो मीठा बनाने की तैयारी कर रही है और उसके साथ साथ पोहा बनाने की भी तैयारी कर रही है ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पर माही और मेरे मासी का बेटा वही पूछ रहा था उससे कि क्या बन रहा है स्पेशल। तो आज बन रहा है मीठे में सूजी का हलवा, जिसे हम लोग मराठी शीरा बोलते हैं। तो शीरा बनेगा और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए पोहे बनेंगे। तो वो सब कुछ नई भाभी ही बनाने वाली है आज, तो इसी वजह से उसके हाथ की आज पहली रसोई है। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पर माही लेके आई है पोहे में डालने के लिए, मतलब कड़ी पत्ता पेड़ ही है बाहर, तो उसका ही कड़ी पत्ता तोड़ के लेके आई है। उसके बाद यहाँ पर मेरे जो बड़े पापा की बहू है, मतलब मेरी जो बड़ी भाभी है, तो वो यहाँ पर प्याज वगैरह काट के दे रही है उसे, और ये यहाँ पर पोहे भिगा रही है नई भाभी। और उधर कल्याणी वगैरह भी उसकी हेल्प कर रही थी थोड़ी सी, क्योंकि उसे नहीं पता था क्या कहाँ पर रखा है, इसी वजह से उसकी उस चीज़ में कल्याणी हेल्प कर रही थी। जो कुछ उसको निकाल के देना था वो निकाल के दे रही थी। और दीपाली यानी कि नई भाभी वो बना रही थी। तो यहाँ पर हलवा बनेगा और पोहे बनेंगे। तो हलवे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कैसे हलवा बनाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले उसने घी डाला है, उसके बाद यहाँ पर डाल रही है सूजी। तो सूजी पैकेट का था, इसी वजह से वो छानने वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी की सूजी थी, तो इसी वजह से उसको छानने वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, इसी वजह से उसने डायरेक्ट ही डाल दिया। ये इसीलिए बताना पड़ रहा है कि कुछ लोग निगेटिव होते हैं, वो जो आके बोल देते हैं कुछ भी कि आपकी भाभी ने तो डायरेक्ट ही सूजी डाल दी, उसे छाना वगैरह भी नहीं। तो इसी वजह से मैं बता रही हूँ कि ये पैकेट की सूजी थी अच्छी क्वालिटी की, तो इसी वजह से भुनने की बोल रही हूँ, छानने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर सूजी भून चुकी है, जब तक सूजी का स्मेल आने नहीं लगती है ना, तब तक वो भून रही है सूजी अच्छे से। यहाँ पर सूजी भून चुकी है, आप देख सकते हो, थोड़ी सी ऐसी दिखने लगेगी ना, तो तब को पता चल जाता है कि सूजी भून चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पर सूजी भून चुकी थी, उसके बाद उसने पानी गर्म करने के लिए रखा था साइड में, तो वो पानी गर्म हो गया था, वो ऐड किया उसने उसमें। और इसकी जो मतलब जैसी रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कैसी बनाती है, तो वही आप देख लीजिए आज। और उसने पहले पानी ऐड किया जैसे उसको अच्छा लगता था, मतलब जितना उसको कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जैसे उसको अच्छा लगता था वैसे उसने पानी ऐड किया, मतलब ज़्यादा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं बनाया और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाया। तो इस तरह से उसने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, जैसे जैसे वो पचता गया पानी वैसे वैसे वो ऐड करती गई। और यहाँ पर जो हलवा बन रहा है वो उसके अकॉर्डिंग बन रहा है, जैसे उसे आता है वैसे। और हमारे यहाँ पे जैसे पसंद है, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे पापा को ना बहुत ज़्यादा घी डालना पड़ता है, मेरे पापा के लिए जब बनाना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा घी चाहिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि प्लेट में दिखना चाहिए घी, इतना ज़्यादा घी चाहिए। और उसके बाद पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब बहुत पतला हलवा पसंद है। बट उसे नहीं पता था कि हमारे घर पे कैसे खाते हैं, तो उसने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया, बट वो भी बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पर कल्याणी उसकी हेल्प कर रही है ड्राई फ्रूट्स काटने में, तो कल्याणी उसको ड्राई फ्रूट्स काट के देंगी। वहाँ पर बड़ी भाभी ने उसके लिए मिर्ची और प्याज और धनिया पत्ता काट के रखा था, और वहाँ पर सब कुछ मतलब पोहे की तैयारी करके रखी थी। तो यहाँ पर उसका हलवा बनने के बाद ये सब कुछ मतलब देंगे। और यहाँ पर ना उसने पहले चीनी नहीं ऐड की थी, वो बाद में चीनी ऐड कर रही है। तो मतलब हर किसी की जो रेसिपी होती है वो अलग अलग होती है, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वो उसने कैसे बनाया था हलवा। तो आप देख लीजिए अभी उसने कैसे बनाया है, क्योंकि मैं तो पहले ही चीनी ऐड कर देती हूँ, उसने लास्ट में चीनी ऐड की और उसके बाद उसने ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड किए। तो ये ड्राई फ्रूट्स अभी वो ऐड करेगी उसमें और उसके बाद प्लेट्स निकालेगी कल्याणी। तो ये सब कुछ उसने बनाया आज, और उसके बाद पोहे कैसे बनाती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो पोहा कैसे बनाती है वो भी आज देख लीजिए। हर एक किसी की रेसिपी अलग होती है, तो इसी वजह से हर किसी के हाथों का टेस्ट भी अलग हो जाता है। बट हलवा बहुत टेस्टी बना था, हमें तो बहुत अच्छा लगा। बट पापा को, मैंने बताया ना कि आपको पापा को बहुत पतला पसंद है, तो इसी वजह से पापा को पसंद आया वैसे, बट पापा ने उनकी टेस्ट बताई, मतलब उनको जैसे पसंद है वो बताया उसे, और नेक्स्ट टाइम से उसको बोला कि ऐसे बनाना मेरे लिए सिर्फ। तो वैसा, और उसको नेक भी दिया बाद में हम सब ने। तो यहाँ पर वो पोहा बना रही है, तो पोहा के लिए उसकी रेसिपी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर पोहा पहले ही भिगो दिया था उसने, तो यहाँ पर भिगो के रखा है पोहा, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में था तो इसी वजह से उसने उसमें भिगो के रखा। और उसके बाद यहाँ पर सौंफ निकाल के रखी है, यहाँ पर प्याज है, धनिया पत्ता है, उसके बाद मिर्च है, और सबसे पहले वो उसने
जैसे कि मैं करती हूँ वैसे ही पहले ऑयल डाला, उसके बाद उसने उसमें ही मूंगफली डाली, उसके बाद उसने उसमें क्या बोलते हैं तो कड़ी पत्ता डाला, उसके बाद जो लंबा प्याज काट के रखा था वो डाल दिया है और मिर्च डाल दी थी, तो ये सब कुछ डाल दिया है। उसके बाद वो अच्छे से उसे भुनेगी, मतलब ज़्यादा नहीं भुनना है, थोड़ा सा ही भुनना है, मतलब जैसे कि हम सब्जी के लिए भुनते हैं वैसे नहीं भुनना है, हल्का सा ही भुनना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है उसे। तो बस ये भून लेगी, उसके बाद वो पोहा उसने भिगो के रखा था ना उसमें ही उसने क्या किया था कि हल्दी लगा के उसे पोहे को रख दिया था, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही है, उसको लग रहा था कि ऑयल कम पड़ेगा इसमें तो इसी वजह से ऑयल ऐड कर देगी, और उसके बाद उसी पोहे में उसने थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके रख दिया था पोहा, और यहाँ पर भी वो मसाले ऐड करेगी, मसाले में थोड़ी सी हल्दी ही ऐड करनी पड़ेगी इसमें, बाकी तो मतलब कुछ ऐड करना नहीं पड़ेगा, जैसे कि हमने हरी मिर्च यूज़ की है तो फिर लाल मिर्च वगैरह तो ऐड करनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर पोहे में भी हल्दी थोड़ी सी मिक्स कर रही है ताकि अच्छे से वो पोहे में लग जाए, और वहाँ पर भी यहाँ पर भी तेल में हल्दी ऐड करेगी ताकि वो मतलब थोड़ी सी ज़्यादा लगे। वहाँ पर जो हल्दी ऐड की है वो कच्ची थी, यहाँ पर वो मतलब तेल में ऐड करेगी तो ये भुन जाएगी। तो यहाँ पर हल्दी ऐड की है, अच्छे से उसे चला लिया है, उसके बाद वो जो पोहा है वो ऐड करेगी इसमें, और उसके बाद उसे पलटा लेगी और बस बन जाएगा पोहा। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था तो इसी वजह से बड़ी कढ़ाई रखनी पड़े, और क्वांटिटी भी आप देख सकते हो ना बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग भी ज़्यादा थे ना, तो इसी वजह से उसको ज़्यादा बनाना पड़ा। जैसे कि मेरी बड़ी मम्मी की बहू, उसके बाद मेरे बड़े पापा जो मतलब उनसे बड़े हैं तो उनकी भी बहू थी, उनके बेटे थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना ही पड़ा, और इतने लोगों में बनाना ही पड़ता है। उसमें जो शादी में आए थे वो लोग भी कुछ रुक गए थे, मतलब जैसे कि मेरी मासी का बेटा, मेरी दीदी का बेटा, तो ये भी रुक गए थे, उसके बाद हम लोग थे, उसके बाद जो घर के हैं और मेरा बड़ा भाई भी, उसकी वाइफ भी, तो सब लोग थे यहाँ पे, तो इसी वजह से उसने इतनी क्वांटिटी में बनाया, उसको घुमाना भी नहीं आ रहा था उसमें, बट उसने कैसे तो इसे बना लिया और बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन बहुत टेस्टी बनाया था, इतनी क्वांटिटी में बनाया था फिर भी बहुत टेस्टी बनाया था, और अभी भी वो खाना बना रही है ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना रही है, मतलब जैसे कि उसके हाथों में टेस्ट है इसी वजह से बता रही हूँ, बहुत टेस्टी बना रही है। आगे आप ब्लॉग देख लेना, आगे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी उसकी रेसिपीज़, तो आगे ब्लॉग देख लेना, मैं अभी कुछ दिन हूँ तो इसी वजह से जो कुछ वो बनाएगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पर बड़ी भाभी जो है वहाँ पर स्वीट डिश निकाल रही है, जो हलवा उसने बनाया था वो निकाल रही है, उसके बाद यहाँ पर वो पोहा ही मतलब मिक्स कर रही थी उसमें, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा यार उसको बनाने में वो, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वांटिटी में था तो काफ़ी टाइम लगा, फिर भी उसने बनाया, बहुत टेस्टी बनाया, और फिर हमें सर्व भी किया। तो यहाँ पर भाभी डिश वगैरह निकाल रही थी, वहाँ पर ये जो भाभी है मेरी वो बीच वाले बड़े पापा की बहू है, और ये कल्याणी तो आपको पता ही है। उसके बाद जो भाभी वो निकाल रही है, प्लेट्स निकाल रही है स्वीट की, जो मतलब इसकी हलवे की, तो ये सबसे बड़े पापा की बहू है, तो ये सबसे बड़ी भाभी है, और यहाँ पर वो बनाएगी अभी पोहा, सबको दिया भी उसने, बहुत टेस्टी लगा था, यहाँ पर हम लोग वही खा रहे हैं, ये मेरी बड़ी मम्मी, उसके बाद वो बड़ी भाभी का बेटा है, यहाँ पर मम्मी है, उसके बाद पापा बैठे थे, यहाँ पर भाई बैठा था, तो उसने सबको डिश दी, उसके बाद सब लोग नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद वो सबके पैर पड़ेगी। तो यही होता है हमारे साइड में कि कल्चर हमारा कैसा है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर सब लोग उसको नेक देंगे, सबके साइड में होता ही होगा ये, बस वो सबके पैर पड़ेगी, उसके बाद सब लोग उसको नेक देंगे, और उसके बाद फिर मतलब जो रेगुलर रूटीन होगा वो स्टार्ट होगा उसका। तो यहाँ पर उसका पहला डे था, तो एक्चुअली वो शर्मा नहीं रही थी क्योंकि वो हमारे यहाँ पे आती जाती रहती है, और आप लोगों में से बहुत लोग ये बोल रहे थे कि दुल्हन तो बिल्कुल शर्मा नहीं रही है, तो उसका रीज़न यही है कि वो बचपन से हमारे घर पे आती जाती रही है, और बचपन से आते जाते रहने की वजह से ना मतलब उसको कुछ लग नहीं रहा था कि ये फैमिली अलग है हमारी फैमिली से, मतलब उसकी फैमिली से हमारी फैमिली अलग है, तो ये उसको ऐसा नहीं लग रहा था, और इसी वजह से उसने मतलब वो शर्मा नहीं रही थी हमारे घर पे, हमारे घर पे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। तो यहाँ पर हम लोग गिफ्ट्स देख रहे थे, जो उसे गिफ्ट्स आए थे, तो वो गिफ्ट्स हम लोगों ने ओपन किए कुछ उसमें से, और कुछ वैसे ही रहने दिए, क्योंकि कुछ ही ओपन किए, जो ओपन किए फिर वो रख दिए, और रखने के लिए भी जगह नहीं थी, तो इसी वजह से मम्मी बोली कि बाद में हम लोग ओपन करेंगे और फिर अच्छे से रख देंगे। तो यहाँ पर जो भी ओपन किया था वो दिखा रही हूँ, तो ये अद्विक भी कुछ ओपन कर रहा है, और हाँ उसको जो नेक मिला था ना उसने उसका
फिर मतलब सबने जो नेक दिए और उसको जो कुछ पैसे आए थे तो उसने उसका गोल्ड के इयररिंग्स लिए हैं, वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर उसको जो गिफ्ट्स आए थे वो मैं कुछ आपको दिखा देती हूँ, मतलब जो ओपन किए हैं वही दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये माइक्रोवेव था, तो ये माइक्रोवेव ओपन कर लिया था बट बाजू में रख दिया था फिर साइड में, क्योंकि मम्मी ने बोला कि बाद में ओपन करेंगे, तो इसी वजह से। डाइनिंग था उसके बाद और था, मतलब फ्रिज वगैरह था। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं उसके यहाँ का, हमारे यहाँ पे शिदोरी आती है, शिदोरी बोलते हैं, मतलब शादी के बाद देते हैं वो। उसमें क्या क्या होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसमें क्या क्या मिलता है उनकी तरफ से हमारे लिए, मतलब हम सब के लिए, हमारे घर के हैं, मतलब कि मैं हूँ, जैसे मेरी भाभी है, मेरी भाभीया, बड़ी भाभीया, और उसके बाद मेरी बड़ी मम्मी, मेरी मम्मी, उनके लिए जो भी मिलता है वो। और चाय पानी के लिए भी, मतलब चाय के लिए कप्स मिलते हैं, उसके बाद चाय के लिए जैसे चाय का डब्बा हो गया, शुगर का डब्बा हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं मसाले का डब्बा हो गया, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद चाय बनाने के लिए पतीला भी मिलता है, उसके बाद मम्मी के लिए साड़ी मिलती है, उसके बाद वो जो बॉक्स भाभी लेके बैठी है ना, उसमें बॉक्स में क्या क्या है वो भी दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर टॉवेल और टोपी है, तो और नारियल है, तो ये पापा के लिए है। और उसके बाद ये ब्लाउज पीस है, उस पर पैसे रखे हैं, उसमें ये कुमकुम की डिब्बी रखी है। उसके बाद ये साड़ी है, तो ये मम्मी के लिए है, तो ये भी दिया जाता है उनके साइड से, मतलब ये सब उसकी मम्मी ने दिया है हमारे लिए। और यहाँ पर ये ऐसे डिब्बे देते हैं सब, मतलब सबके लिए, तो इसे मान बोलते हैं हमारे साइड में, तो ये मान जो है वो सबके लिए देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये, और साड़ियाँ भी सबके लिए है, जैसे कि मेरी बड़ी मम्मी वगैरह के लिए, तो यहाँ पर इसमें चूड़ियाँ होती है, सोप सुपारी होती है, उसके बाद बिंदी होती है, जो शगुन का सामान होता है वो सारा इसमें होता है। तो ये पूरा का पूरा जो भी पाउडर, तेल, सिंदूर, नेल पॉलिश, और इसके बाद क्लचर और रुमाल, ये सारी चीज़ें सबके लिए दी जाएगी। और साड़ियाँ भी उन्होंने फिर शादी में सबके लिए गिफ्ट्स समझ के वो साड़ियाँ भी दी। उसके बाद ये यहाँ पर मेरी मासी आपको ओपन करके दिखा रही है, तो ये यहाँ पर शुगर है एक बॉक्स में, और मतलब एक कंटेनर में, और उसके बाद ये पैसे दिए हैं दूध के लिए, उसके बाद वो चाय पाउडर है, तो ये सब कुछ देते हैं उनके साइड से। पतीला भी दिया जाता है चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर सब लोग, हम लोग बैठे थे देखते हुए सब कुछ, तो बस वही हो रहा है। यहाँ पर सब लोग जेंट्स बैठे हैं, वहाँ पर हम लोग सब लेडीज़ देख रही है कि क्या क्या मिला है उनकी तरफ से। तो ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, और बस ये मेरी मामी, नई भाभी, और उसके बाद ये मेरी भाभी वगैरह, बड़ी भाभियाँ, और मेरी मम्मी। तो यहाँ पर साड़ी देखिए, ये वाली दी थी, और मेरी बड़ी मम्मी भी है साइड में, और ये वाली साइड साड़ी उनकी तरफ से मिली थी मम्मी के लिए। इस दिन तो हमारा यही चल रहा था, बस यही देखा हमने जो उनकी तरफ से मिला था, और गपशप हुई, सारे लोग बैठे थे तो यहाँ पर काफ़ी देर तक गपशप मारने लगे हम लोग। और उसके बाद कुछ भी शूट करना नहीं हुआ, तो उस दिन तो कुछ शूट नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट डे मासी जाने वाली थी गाँव उसके, तो इसी वजह से। तो शादी के बाद जो घर पे जाता है उसको क्या क्या दिया जाता है, तो वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर चूड़ा है, जलेबी है एक पैकेट में, और उसके बाद अंकल को टीका लगाया जाएगा, उसके बाद आंटी को टीका लगाया जाएगा, और यहाँ पर जो बड़ा भाई है वो ब्रश कर रहा था। एक्चुअली शाम का टाइम था, मतलब दोपहर का, तो वो सो के उठा था तो ब्रश कर रहा था, तो इसी वजह से छोटे भाई ने सब कुछ दिया। यहाँ पर अंकल को दिया जा रहा है टॉवेल, नारियल, और उसके बाद वो शर्ट पीस और पैंट पीस, और उसके बाद आंटी को साड़ी दी जा रही है, ब्लाउज, और उसके ऊपर पैसे। तो ऐसे ही दिया जाता है जो भी शादी में आते हैं और घर जाते हैं, तो उस टाइम ये सब कुछ दिया जाता है हमारी साइड से। तो यही हो रहा है यहाँ पे, बस सब लोग पैर पड़ेंगे उनके, और क्योंकि बड़े हैं तो इसी वजह से सब लोग पैर पड़ेंगे। और इन दोनों की तो मासी सास ही है, तो इसी वजह से ये दोनों सबसे पहले पैर पड़ेंगे, मतलब जो घर की बहू है। उसके बाद बेटे पैर पड़ेंगे, हम लोग थे तो वो हम लोग पैर पड़ेंगे। उसके बाद वो, जैसे कि इनकी नई शादी है तो उनको दोनों को नेक दे रही है, तो पैर पड़ने के बाद, जैसे नई शादी होती है तो सब हर टाइम जो भी आता है उनके पैर पड़ते हैं, तो नई नई शादी का यही फ़ायदा है कि उनको हर टाइम नेक मिलता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं मासी के बेटे को अक्षत लगा रही हूँ,
उसके बाद चली जाएगी मासी। और इसके साथ ही मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करने में कंजूसी मत करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ मेरे दो और चैनल हैं, चाहो तो वहाँ पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय। जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करना मत।